हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेक्चर 27 ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। आई होप सो कि अभी तक आपने लेक्चर नंबर 26 तक सारे लेक्चर देख भी लिए होंगे, अच्छे से समझ भी लिया होगा और हमारे ग्रुप को भी अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा। अगर अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें लेक्चर नंबर 27 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले अगर हम लास्ट लेक्चर की तरफ देखें तो लास्ट लेक्चर के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 26 के अंदर हमने ये देखा था कि रिक्वायरमेंट की वैलिडेशन थ्रू प्रोटोटाइपिंग किस तरीके से की जाती है और बड़े अच्छे से डिटेल में इस चीज़ को हमने क्लियर किया था। अब आज के लेक्चर के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम जो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन तक के जो भी स्टेजेस थे हम उनको क्लियर कर चुके हैं, और जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिक्वायरमेंट वैलिडेशन थ्रू प्रोटोटाइपिंग पढ़ा था वो भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के जो लास्ट स्टेज है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन उसी की ही एक आगे एक टाइप थी कि आप रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोटोटाइपिंग के जरिए कैसे कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग होती क्या है, तो उसमें ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दी गई थी। अब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस से आगे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या होती है। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंजेस, ठीक है। इस रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के टॉपिक को आप रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट भी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी उनके अंदर चेंजिंग्स जो आती हैं आप उनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे, तो वी विल टॉक अबाउट द रीजंस फॉर चेंजिंग इन द रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू मैनेज देम। तो हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि रीजंस क्या हैं इसके पीछे के जो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनमें चेंजिंग्स आ रही हैं, और साथ ये भी देखेंगे कि मैनेज कैसे करेंगे। अब देखें, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स ही किसी सॉफ्टवेयर के लिए 2 हैं, 8 हैं या 10 हैं, तो शायद उनको मैनेज करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन जब आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट 2 की जगह 200, 8 की जगह 800 हो जाएं, तो डेफिनेटली उनको मैनेज करना इशू हो जाएगा। जैसे कि एक सिंपल वर्ड में कहा जाता है कि अगर आपके घर में अगर 1 या 2 गेस्ट हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जब 10-12 लोग आ जाएं तो आप कहते हो कि यार हम इनको मैनेज कैसे करेंगे, आप फौरन उनको सोचना शुरू कर देते हो। तो इसी तरीके से जब 2 से 3 या 4 रिक्वायरमेंट हो तो उनको मैनेज करना इशू नहीं होता, लेकिन जब 200, 300 या 400 रिक्वायरमेंट बन जाए तो उसके लिए फिर आप सोचने लग जाते हो कि इसमें आप चेंजिंग्स जब आएंगी तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट को इन अदर वर्ड्स आप रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट कह सकते हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में जो हम काम कर रहे होते हैं वो यही कर रहे होते हैं कि रिक्वायरमेंट में आने वाली चेंजिंग्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये हम देखेंगे कैसे करते हैं, आगे चलते हैं इसके अंदर। अब जब आप रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज को मैनेज करते हो तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा लाजमी है, उसका नाम है ट्रेसेबिलिटी। अगर किसी रिक्वायरमेंट के अंदर ट्रेसेबिलिटी नहीं है तो आप उस रिक्वायरमेंट को कभी भी मैनेज प्रॉपरली नहीं कर सकते, ठीक है। अब ट्रेसेबिलिटी आपको कैसे पता चलेगा कि किसी रिक्वायरमेंट में है भी या नहीं है, तो रिक्वायरमेंट इज ट्रेसेबल इफ़ यू कैन डिस्कवर हु सजेस्ट द रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास इस बात का ट्रैक है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर बनवाने लोग आए थे, जो उसके स्टेक होल्डर्स थे, उनमें से किसने कौन सी रिक्वायरमेंट बताई थी, अगर आपके पास इस चीज़ का ट्रैक है, आपके पास इस चीज़ का रिकॉर्ड है, तो ये ट्रेसेबल है। उसके बाद अगर आपको ये पता है कि वाई द रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, मीन्स ये कि अगर एक रिक्वायरमेंट आपके पास मौजूद है तो वो क्यों मौजूद है, अगर आपके पास इसकी पूरी डिटेल है, और इसके अलावा व्हाट रिक्वायरमेंट्स आर रिलेटेड टू इट एंड हाउ दैट रिक्वायरमेंट रिलेट्स टू अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो रिक्वायरमेंट कोई एक रिक्वायरमेंट है उसके साथ और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स इंटरलिंक हो रही हैं और किस तरीके से बाकी इन्फॉर्मेशन इसके साथ रिलेट कर रही है, तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट के बारे में नॉलेज अगर आपके पास मौजूद है तो आप ये कह सकते हो कि ये रिक्वायरमेंट जो है ट्रेसएबल है, यानी कि इसका पीछे आपके पास सारा रिकॉर्ड है कि कहाँ से आई, क्यों आई और इसके साथ और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट लिंक कर रही हैं, ये चीज़ें हैं तो ट्रेसेबिलिटी है। और अगर ट्रेसेबिलिटी है तो आप उस रिक्वायरमेंट के अंदर आने वाले चेंज को इजीली मैनेज कर सकते हो। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर ए है कोई, ठीक है, उसने आपको रिक्वायरमेंट नंबर 1 बताई थी, ठीक है। अब जब उस रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर कोई चेंजिंग स्टेक होल्डर नंबर बी सजेस्ट करता है तो आप उसको वहां पर लिखोगे कि स्टेक होल्डर बी ने स्टेक होल्डर ए की तरफ से आने वाली रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर ये चेंजिंग कर दी है। तो देखें आपका सारा का सारा चेंज का
ट्रैक बन रहा है, पूरा लॉग मेंटेन हो रहा है। तो इसी तरीके से रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट करने के लिए ट्रेसेबिलिटी का फैक्टर हर एक रिक्वायरमेंट में होना लाजमी है, और ये ट्रेसेबिलिटी आपको साथ साथ मैनेज करनी पड़ती है जब आप रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद चेंज। अब ये चेंज के बारे में बात करते हैं कि दुनिया में कोई भी जो चीज है वो परमानेंट नहीं है सिर्फ चेंज के। ये चेंज एक ऐसी वाहि चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट है, बाकी हर चीज बदल जाती है, चेंज नहीं बदलता, चेंज लाजमी रहता ही रहता है। अब ये बात दुनिया की हर चीज पे इंप्लीमेंट अगर हो रही है तो ये रिक्वायरमेंट पे भी इंप्लीमेंट होगी, या आपकी आईटी की फील्ड में मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट होगी क्योंकि सबसे ज्यादा फास्टली ग्रो करने वाली फील्ड है। तो चेंजिंग्स आती हैं और चेंजिंग्स को आने से आप रोक नहीं सकते, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के शायद माइंड में ये सवाल आ गया होगा कि हम रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसी का आगे हमने लिंक ये पढ़ा कि रिक्वायरमेंट के चेंज को मैनेज करने के लिए हर एक रिक्वायरमेंट की ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, तो हम चेंज आ क्यों रहा है। तो उसके जवाब के अंदर मैंने आपको ये बात बताना चाहूंगा कि चेंज एक कांस्टेंट है और यही एक वाहि चीज है जो कि कांस्टेंट है और ये लाजमी आती है नो मैटर वेयर यू आर इन द सिस्टम लाइफ साइकिल। आप सिस्टम के लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज पे क्यों ना खड़े हो, बेशक आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज से निकल के आगे डिजाइनिंग के फेज पे जा चुके हो, बेशक आप टेस्टिंग के फेज पे जा चुके हो, आप लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर के किसी भी जगह पे भी खड़े हो, सिस्टम चेंज होगा। जो उसके स्टेक होल्डर हैं उनके माइंड में एक डिजायर रहेगी कि हम इसको चेंज करें उसके पूरे लाइफ साइकिल में जब तक वो आपकी इंडस्ट्री में है। उनको ये नहीं पता कि अब आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज से निकल के डिजाइन पे आ चुका है या फिर कोडिंग पे जा चुका है। उनको ये पता है कि अभी बन रहा है तो हम जो भी चेंजिंग कहेंगे अभी वो कर सकते हैं, तो अगर बन गया तो बाद में आ गया तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। बेशक अब आपको पता है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज पे चेंज तो हमारे लिए ईजी होगा, आगे मुश्किल होगा, लेकिन उन लोगों के लिए ये चीज मायने नहीं रखती। वो तो आपको किसी भी लेवल पे आपको आगे बता सकते हैं कि इसमें चेंजिंग कर दो और आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप अगर ये कहें कि चेंज आए ही क्यों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चेंज लाजमी आएगा, चेंज एक कांस्टेंट है, ये आता रहता है, इसको डील करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। चेंज ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो आगे हम जाके चेंजिंग रिक्वायरमेंट पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक्चुअली ऑल स्टेक होल्डर वॉन्ट टू चेंज रिक्वायरमेंट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। अब देखें, ऐसा नहीं हम कह सकते कि जी कौन रिक्वायरमेंट चेंज करेगा। अगर एक सॉफ्टवेयर के चार स्टेक होल्डर्स हैं तो वो किसी ना किसी स्टेज पे जाकर अपनी रिक्वायरमेंट को दोबारा जब गौर करेंगे तो कहेंगे कि यार ऐसा करो कि ये वाली जो रिक्वायरमेंट थी इसमें ये चेंजिंग कर दो। अब आप बेशक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसी भी लेवल पे क्यों ना पहुंच गए, उनके सॉफ्टवेयर को लेके हो सकता है कि आप उसको रिलीज करने से दो दिन पहले ही बैठे हुए हो तो अचानक से एक स्टेक होल्डर की कॉल आ जाए कि यार ये चेंजिंग कर दो। ठीक है, अब स्टडीज हैव शोन दैट वेरी सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ डिलीवर्ड डिफेक्ट्स कैन बी ट्रेस बैक टू चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट। अब जो अभी तक की रिसर्च है वो शो करती है कि जो आपकी जो चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट होती है ना, ज्यादातर डिफेक्ट्स वहीं से जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 रिक्वायरमेंट्स ली, वो चेंज नहीं हुई, उसकी बेस पे डिजाइन फेस किया, डिजाइन की फेस पे कोडिंग की, कोडिंग की बेस पे आगे आपने जनाब टेस्टिंग वगैरह करके सॉफ्टवेयर दे दिया, परफेक्ट होगा। लेकिन एक दफा रिक्वायरमेंट्स ली, रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद आगे जाकर उन रिक्वायरमेंट्स में किसी स्टेज पे जाके चेंजिंग कराई गई, उसके बाद आगे जाके सॉफ्टवेयर को कंप्लीट किया, तो एरर अगर आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया सॉफ्टवेयर में, तो जब उसको ट्रेस बैक किया जाता है कि यार ये आया कहाँ से, तो पता ज्यादातर यही चलता है कि यार ये वाला जो एरर है ये उस वक्त जनरेट हुआ जब रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग करवाई गई थी। अब वो क्यों होता है, इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट जब ली जाती है तो उनको लेकर उसके साथ उसकी ट्रेसेबिलिटी का निज़ाम नहीं रखा जाता। फिर जब ट्रेसेबिलिटी नहीं रखी जाती तो वो जब चेंज उस रिक्वायरमेंट में जब आता है तो उसको मैनेज प्रॉपरली नहीं किया जाता, और जब वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाती तो उससे एरर फ्लो करके डिजाइन फेस में जाता है, डिजाइन से एरर फ्लो करके कोडिंग में जाता है, कोडिंग से एरर फ्लो करके टेस्ट केसेस तक, और उसके बाद एट दी एंड वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में नजर आना शुरू हो जाता है। अ मेजर इशू इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द रेट एट विच रिक्वायरमेंट चेंज वंस द रिक्वायरमेंट फेस हैज ऑफिशियली एंडेड। अब ये इशू ज्यादा उस वक्त आता है जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फेज बंद हो चुका है होता है और उसके बाद जो है आपकी रिक्वायरमेंट में चेंजिंग सजेस्ट की जाती है। अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज में रहते हुए ही चेंजिंग सारी बताते चले जाएं तो शायद उस वक्त ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि वो वहीं पर ही, अभी हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बैठे हुए तो वहीं सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फेज एंड हुआ, अब जिस रेशो से आपको चेंज जो है डिमांड किया जाएगा उस ही रेशो से एरर्स आने का चांस भी ऊपर चला जाता है। तो द रेट इज ऑन एवरेज 3% पर मंथ इन दी सबसिक्वेंट डिजाइन फेज एंड शुड गो डाउन आफ्टर दैट। ठीक है, अब 3% पर मंथ से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे चले जाते हैं तो वो डाउन होते चले जाना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट में
जो चेंज का जो परसेंटेज है, अगर वो इससे चेंज इससे कम नहीं होगा तो डेफिनेटली एरर्स का जो चांसेस है वो ऊपर जाएगा. दिस रेट शुड कम डाउन टू 1% पर मंथ ड्यूरिंग कोडिंग. और जब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से गुजर के, डिजाइन फेज से गुजर के कोडिंग के फेज पे आ चुके हैं, तो अब रिक्वायरमेंट में चेंजिंग की जो शरह है या परसेंटेज है वो 1% पर मंथ हो जानी चाहिए. अगर ये नहीं होती है तो फिर आप लोग रेडी रहें कि आपकी तरफ से जो सॉफ्टवेयर निकल के जाने वाला है वो फुल ऑफ बग्स होगा, फुल ऑफ डिफेक्ट्स होगा. ठीक है. आइडियली दिस शुड कम डाउन टू नो चेंजेस इन टेस्टिंग, हाउएवर दिस इज वेरी रेयर. अब जब कोडिंग पे आप 1% पे आ गए हो तो उसके मुताबिक होना तो ये चाहिए कि कोडिंग से नेक्स्ट फेज जो आपका टेस्टिंग है उस पर जब आप पहुंचो तो आपकी चेंजिंग्स आना बंद हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली अब आप एक सॉफ्टवेयर बना चुके हो, अब आप उसको टेस्ट कर रहे हो. अब उस स्टेज पे आकर आपको कोई बोलता है कि यार ये चेंजिंग कर दो, तो डेफिनेटली काम काफी ज्यादा खराब हो जाता है, ये आप भी समझ सकते हैं. तो इसलिए होना ये चाहिए कि टेस्टिंग के फेज पे जाकर अब चेंजिंग्स की डिमांड कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. उस लेवल पे भी जाके चेंजिंग्स के लिए पूछा जाता है. अब आपको ये अंदाजा देखें हो गया कि बेशक 1% या 0.5% ही चेंजिंग की डिमांड आ क्यों ना रही हो, लेकिन वो एंड स्टेज पे भी आती रहती है. सॉफ्टवेयर पूरा मुकम्मल बन जाने के बाद भी उसकी रिक्वायरमेंट की चेंजिंग की डिमांड आती रहती है. सो द पॉइंट इज कि चेंजिंग सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद भी डिमांड की जा रही है, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि आप चेंज से जान नहीं छुड़ा सकते. जब आप चेंज से जान नहीं छुड़ा सकते तो आपने क्या करना है कि चेंज को मैनेज करने का तरीका सीखना है. और चेंज को मैनेज करने के लिए अभी तक की जो सारी बातें मैंने आपको बताई उसके मुताबिक आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप रिक्वायरमेंट्स जमा कर रहे हैं तो आपने उसकी ट्रेसिबिलिटी का सिस्टम अच्छा बनाना है. आपने इस चीज़ का निज़ाम पूरा का पूरा अपने हाथ में रखना है कि रिक्वायरमेंट आपने ली किसे, उसने ये रिक्वायरमेंट दी क्यों, और ये रिक्वायरमेंट बाकी दूसरी किस किस रिक्वायरमेंट के साथ लिंक होती है, ताकि कल जब आप चेंज करो तो आपको पता चल जाए कि चेंज सजेस्ट किसने किया, उस चेंज सजेस्ट किया क्यों गया, और इसके चेंज होने से बाकी रिक्वायरमेंट जो इसके साथ लिंक हो रही थी उनमें कहाँ कहाँ तब्दीली आएगी. तो यहाँ तक के लिए आई होप सो के आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. कोई क्वेश्चन हो तो ट्विटर अकाउंट मेरा सामने है, फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. फेसबुक का पेज आपको नजर आ रहा होगा, इसको लाइक कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट वीडियोज की मिलती रहे. चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें. आप लोग देखते हैं मेरी वीडियोज को, बहुत पसंद भी करते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, कमेंट सेक्शंस में तारीफ़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन जितने लोग देखते हैं उसके 20% लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. तो यही वो सपोर्ट है जो आपकी तरफ से मिलती है और हमें मोटिवेट करती है आगे वीडियोस डालने के लिए. तो काइंडली जब वीडियो आपने देखी उसको लाइक किया, उस पर मुझे अप्रिशिएट भी किया, तो यार एक सब्सक्राइब भी बनता है. तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.